गाइस मेरा नाम सावन भाटिया है और आज हम बात करेंगे कि जैसे हम जो राइड्स हैं जैसे जो लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं स्पेशली, तो अगर हमें वो पार करने हैं तो वो क्या हम मल्टीपल राइड्स करके पार कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमें 50 किलोमीटर जाना है या 80 किलोमीटर जाना है या फिर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की राइड्स करनी है, तो क्या हम वो मल्टीपल राइड्स में भी कर सकते हैं या फिर वो हमें एक सिंगल राइड में ही करनी पड़ेगी? और अगर मल्टीपल राइड्स में कर सकते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन आता है, कैन आई राइड मल्टीपल टाइम्स अ डे? तो इसका आंसर है यस, मल्टीपल राइड्स इन अ डे विल बी कंसीडर्ड फॉर अ सिंगल राइड डिस्टेंस चैलेंजेस लाइक 200 किलोमीटर राइड्स ओनली इफ दे मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो आप कर सकते हैं ये डिस्टेंस जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस, आप वो मल्टीपल राइड्स के थ्रू कवर कर सकते हैं, बट ये सिर्फ लॉन्गर डिस्टेंसेस चैलेंजेस के लिए हैं। ओके, तो इसके क्राइटेरियाज के बारे में अगर हम बात करें तो पहला क्राइटेरिया ये है कि जो सारी राइड्स हैं वो सेम डे पे ही स्टार्ट होनी चाहिए। स्टार्ट होना इंपॉर्टेंट है, एंड अगर वो अगले दिन पे ही होगी, जैसे अगर वो 12 बजे के बाद भी होती है तो भी वो उसी दिन के लिए कंसिडर हो जाएगी। ओके, उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि मैक्सिमम टाइम जो है स्टॉप और स्टार्ट टाइम जो इंटरवल है वो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने एक राइड करी है फिर आपने रेस्ट करा या आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं या आपने ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप रुके हुए हैं, तो अगर आप किसी भी रीजन की वजह से रुके हैं तो जो स्टॉप और स्टार्ट टाइम है दोनों या तीनों राइड्स के बीच में, जैसे पहली और दूसरी राइड के बीच में अगर आप रुके हैं तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर जो उसके बाद भी अगर आप एक और ब्रेक लेना चाहते हैं तो वो भी 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम देखें तो एक एग्जांपल दिया गया है हमें, जैसे स्टेज टू में एक हमारे पास चैलेंज है जिसके हम अंदर हमें 80 किलोमीटर की राइड करनी है, जो हम दो राइड्स में भी कर सकते हैं या हम वो तीन राइड्स में भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल को पूरा समझते हैं। तो जैसे ये चैलेंज है हमें 80 किलोमीटर की एक राइड करनी है, हमने राइड स्टार्ट करी, पहले हमने 5 बजे सुबह हमने स्टार्ट करी राइड और 7:15 पे हम रुक गए, हमने कोई ब्रेक ले लिया, हम चाय पीने के लिए रुक गए जैसे कि बहुत से लोग रुकते हैं, फिर हमने ये ब्रेक लिया, हम रेस्ट करा, उसके बाद हमने दूसरी राइड जो है वो 7:28 पे स्टार्ट करी और उसका जो एंड टाइम है वो है 10:10 AM। अब ये आप जैसे देख सकते हैं 7:15 और 7:28 के अंदर सिर्फ 13 मिनट्स का गैप है, सिर्फ 13 मिनट्स का अंतर है, इंटरवल जो है वो 13 मिनट्स का है, जो 30 मिनट से 30 मिनट से जो कम है। इसीलिए अब ये पूरी राइड जो है ये एक ही मानी जाएगी, इसमें कोई गैप नहीं माना जाएगा और ये जो है 80 किलोमीटर वाले चैलेंज को पूरा कर लेगी। ओके, एक और चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो रूल है कि आप मल्टीपल राइड से डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन राइड्स के लिए हैं जो 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा की हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो हेल्प करेगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज मी सावन साइनिंग ऑफ।